हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माई सेल्फ सुजीत सिंह, वेलकम टू टैलेंट क्लासेस पटना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर हमने डिस्कस किया था और उसके कंटेक्स्ट में हम लोगों ने एग्जांपल देखा था पाकिस्तान का। हमने देखा था कि जो पहला फीचर है हमारे डेमोक्रेसी का वो पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में फेल हो जा रहा है। वहां पर जो रूलर्स है वो इलेक्टेड नहीं थे और जो मेजर डिसीजन ले रहे थे, तो ये प्रॉब्लम थी। सेकेंड जो फीचर है डेमोक्रेसी का वो है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी इलेक्शन जो होना चाहिए वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, या लोगों के पास चॉइस होना चाहिए। ये हमारा कहां कहां फेल हो जा रहा है उसे हम आज के वीडियो में देखेंगे, यानी ये कहां पर प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहला चाइना को पढ़ेंगे और उसके बाद मेक्सिको। ये दो कंट्री में क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं और यहां पर जो इलेक्शंस क्या हो रहे हैं वहां पर चॉइस नहीं है। तो सबसे पहले चाइना में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, तो चाइना को समझते हैं। देखो चाइना जो है, इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड इन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, यानी चाइना में हर 5 सालों पे इलेक्शंस होता है, रेगुलर होता है। बहुत बढ़िया बात है, रेगुलर 5 सालों पे चाइना में क्या होती है, इलेक्शंस होती है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर इलेक्टिंग पार्लियामेंट, और वहां पे पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए होता है। बहुत बढ़िया बात है, हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट है, हमारे पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए हर 5 सालों पे इलेक्शंस होता है। वहां के पार्लियामेंट को नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोला जाता है। आपके ग्रुप में बहुत चाइनीज शब्द नाम दिए हुआ, उसे याद करने की जरूरत नहीं है, आप नेशनल पीपल्स कांग्रेस याद कर लेना। यहाँ के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोलते हैं। हमारे यहाँ के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, या डिस्क्रिप्शन यानी कमेंट बॉक्स में आप क्या करिए, कमेंट करके बताइए कि हमारे यहाँ के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, वहां के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो चाइना में हर 5 सालों पे रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, क्यों होते हैं, वहां के पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए होते हैं। वहां के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोलते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बट बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस कैंडिडेट नीड्स टू अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। प्रॉब्लम यही है, वहां पर आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, कौन से पार्टी से, वहां की पार्टी का नाम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। बिना चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अप्रूवल के आप वहां पे इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, इलेक्शन में कंटेस्ट कर ही नहीं सकते, यहीं पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है। अब देखिए चीजों को समझिएगा, क्या हमारे कंट्री में किसी पार्टी से अप्रूवल लेने की जरूरत है इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए, कोई पार्टी से अप्रूवल लेने की जरूरत है? हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टीज है, पहली बात तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी बीजेपी, कांग्रेस और भी आम आदमी पार्टी बहुत सारा। कोई व्यक्ति अगर चाहे तो कोई पार्टी से नहीं लड़ना चाहता है तो वो इंडिपेंडेंटली भी क्या कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकते हैं या इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है। लेकिन यहां पर क्या है, लोगों के पास च्वाइस नहीं है। देखने में लग रहा है कि यहां पर क्या है कि लोग बदल सकते हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सिंगल पार्टी सिस्टम है। अब सिंगल पार्टी में मान लीजिए कि ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से 2 व्यक्ति ने इलेक्शन कंटेस्ट किया। अच्छा समझाता हूं, एक राम है और दूसरे का नाम क्या है, मोहन है। आपको सर हिंदी नाम क्या है, इंडियन नेम बता रहे, चाइना में इंडियन नेम कैसे होगा? अच्छा समझ लो, आप लोग समझदार, एक राम है एक मोहन है, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से क्या कर रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है। यहां पर राम ने इलेक्शन जीत, मतलब इलेक्शन में विन कर गया और मोहन इलेक्शन क्या कर जाता है, लूज कर जाता है। तो आपको दिखेगा कि यहां तो मोहन हार गया, राम जीत गया, लेकिन अल्टीमेटली जीत कौन रहा है, अल्टीमेटली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जीत रहा है। तो यानी यहां पर लोगों के पास च्वाइस ही नहीं है, कोई भी जीते कोई भी हारे अल्टीमेटली गवर्नमेंट में आना कौन है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस पार्लियामेंट में आएगा कौन, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही आएगा। देयरफॉर यहां पर लोगों के पास च्वाइस ही नहीं हो रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी का जो फर्स्ट फीचर है ये फेल हो जा रहा है। यहां पर डेमोक्रेसी जो है ना वो एक तरह से फेयर तरीके से नहीं हो रहा है, लोगों के पास यहां पर क्या है, च्वाइस नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया आपको। अब सेकेंड जो हम लोगों का एग्जाम्पल है वो है मैक्सिको का, मैक्सिको का समझते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ। चलिए अगला केस जो हम लोगों का है वो मैक्सिको का है, देखते हैं मैक्सिको में क्या प्रॉब्लम थी जिसके कारण यहाँ पर जो इलेक्शंस है वो फ्री एंड फेयर नहीं हो पा रहा है। देखिए मैक्सिको में एक पार्टी है, उस पार्टी का नाम है पीआरआई। अच्छे से ध्यान रखिएगा, पार्टी का नाम क्या है, पीआरआई पार्टी है, और पीआरआई का जो फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। पीआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, थोड़ा उल्टा है ठीक है, जबकि होना चाहिए पीआरआई से होना चाहिए, लेकिन इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी इसको बोला जाता है ठीक है, पीआरआई पार्टी। ये पार्टी क्या कर रही थी मैक्सिको में 2000 एवरी इलेक्शंस वॉन बाय पार्टी कॉल्ड पीआरआई, मतलब हर इलेक्शंस ये पार्टी जीत जा रही थी, एक भी इलेक्शंस ये पार्टी हार ही नहीं रही थी। कब तक, 2000 तक जितने भी इलेक्शंस हुए सारा का सारा कौन पार्टी जीत रहे थे, मैक्सिको में पीआरआई पार्टी जीत रही थी। अब कहो कि ये इतना अच्छा काम कर रही है मैक्सिको में कि जनता यानी वहां के जो मतलब पीपल है वो इनको वोट दे रही, नहीं, वहां पर क्या कर रही थी, इलेक्शंस जीतने के लिए यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन ऑल द इलेक्शंस,
यानी वहां पर वो इलेक्शन जीतने के लिए क्या कर रही थी, केवल डर्टी ट्रिक्स का, गलत तरीके का प्रयोग कर रही थी। यानी केवल इलेक्शन में क्या क्या कर रही थी, तो अगर आप बुक में देखिएगा तो सबसे पहले लिखा है कि वहां पर जो टीचर्स होते थे पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करते थे, दबाव डालते थे, साथ में अंतिम समय में बूथ ही क्या कर दिया जाता था, वहां से शिफ्ट कर दिया जाता था बूथ से, मतलब कि जो सारी वोटिंग आपको पूरी बैलेट आती वो सारा शिफ्ट करके अलग तरीके से कर दिया जाता। यानी केवल डर्टी ट्रिक्स, केवल गलत तरीके से ये सारा इलेक्शन जीत जाती थी। तो चाइना में क्या था, चाइना में क्या है, चॉइस नहीं है लोगों के पास, एक ही पार्टी है, सिंगल पार्टी के कारण। और यहां पर क्या है कि इलेक्शंस फेयर नहीं हो रहा है, फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है। इलेक्शंस क्या हो रहा है, एक तरह से यहां पर इलेक्शन में करप्शंस हो रही है और एक ही पार्टी जीत रही है, जबकि डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, पार्टी हारनी भी चाहिए और दूसरे पार्टी पावर में आनी चाहिए। जिस तरह से हमारे कंट्री में आप देखिएगा तो 2004 से 14 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 14 से देखिए तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, और बीजेपी अभी है, सेकंड बार भी जीत गई है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो कभी हारेगी नहीं, अगर अच्छा नहीं काम करेगी तो वो हार भी सकती है, और ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, जो आज पावर में वो हारना भी चाहिए। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सो इन अ डेमोक्रेसी दोज बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन फेयर दोज इन करेंटली इन पावर फेयर चांस ऑफ लूजिंग। यानी डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, एकदम इलेक्शंस में कोई आपको करप्शन नहीं होना चाहिए, और जो आज पावर में है वो हारना भी चाहिए, तभी डेमोक्रेसी में एक तरह से जो इलेक्टोरल कंपटीशन वो फ्री एंड फेयर है, तभी एक कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी। ये सेकंड फीचर्स था हमारा चाइना और मैक्सिको कॉन्टेक्स्ट में, हमने देख लिया कि इलेक्शंस कैसा होना चाहिए, इलेक्शन में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ गया तो एक लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।